इधर उत्तर प्रदेश के शाजापुर में गर्रा नदी में लगातार जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है, जिसको लेकर डीएम प्रताप सिंह ने बताया कि 10 से 12 इंच पानी नीचे गया है और संभावना है कि जल्द ही जलस्तर और नीचे जाएगा। प्रशासन की ओर से 11 राहत शिविर लगाए गए हैं, कहीं कोई जनहानि नहीं हुई है। आगे उन्होंने कहा कि हम लोग राशन, पानी, कच्चा खाना और पक्का खाना उपलब्ध करवा रहे हैं। काफी पानी कल भी बढ़ा था, परसों भी बढ़ा था, आज करीब 10-12 इंच पानी कम हुआ है और संभावना है शाम तक हो जाएगा। राहत शिविर भी हमारे चल रहे हैं 11 और तमाम लोगों हम लोग रिस्यू कराएं। कल परसों बहुत लोग नहीं निकलना चाह रहे थे, लेकिन आज निकल रहे हैं, तो उनके लिए भी NDRF, SDRF और 10 नामे फरूखाबाद से मंगा हम लोग निकाल रहे हैं। कहीं कोई जनहानि नहीं है। हम लोग अभी सेहरा मोड़ भी गए थे और अजीजगंज भी गए थे। हम SP साहब, मेयर साहब, सभी नगर आयुक्त साहब हम लोग लगे हैं लगातार। ये अगर इनपुट की बात करें तो ऊपर से इनपुट क्या है ताकि लोगों तक मैसेज पहुंचेगी? इनपुट तो ये है कि हम लोग पूरा राशन, पानी, कच्चा खाना, पक्का खाना सब एक्स्ट्रा मनवा के दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, हम लोग स्थिति कंट्रोल कर रहे हैं जितना बेहतर। काफी पानी कल भी बढ़ा था, परसों भी बढ़ा था, आज करीब 10-12 इंच पानी कम हुआ है।